मध्य का मतलब समझ रहे हैं, बीच में, मध्य मस्तिष्क, मध्य। तो उस दिन चित्र बना था अग्र मस्तिष्क, इसमें जो भाग बना था अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क भाग यहाँ पर आते हैं। तो इसमें यह क्रियाएं होती हैं, अग्र मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क, पश्च मतलब पीछे, पश्च पीछे, पीछे होते हैं, मध्य मस्तिष्क होता है मध्य, मध्य अपश्य होते हैं यहाँ पर पश्य। पश्य अग्र ये होते हैं, पश्य ये होते हैं, पश्य का अर्थ है पश्य यहाँ पर, यानी प्र मस्तिष्क के ठीक नीचे, यानी यहाँ पर पश्य मस्तिष्क होता है, और इधर होता है मध्य मस्तिष्क। वही कह रहा है मध्य मस्तिष्क, यानी यहाँ पर मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क का मध्य भाग अपेक्षाकृत छोटा होता है, मध्य मस्तिष्क का भाग अपेक्षाकृत छोटा होता है। यह भाग मस्तिष्क को, यह भाग मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ता है यहाँ पर, एकारा मेरुरज्जु को मध्य मस्तिष्क भाग या मेरुरज्जु को जोड़ता है, यानी यहाँ पर पीछे की तरफ मेरुरज्जु से जोड़ता है। इसका अधिकांश भाग, अधिकांश मतलब अधिक से अधिक भाग, अधिक से अधिक भाग प्रमस्तिष्क गोलार्धों द्वारा, प्रमस्तिष्क यानी ये भाग, यानी इसके द्वारा यह ढका हुआ होता है। वही कह रहा है अधिकांश भाग प्रमस्तिष्क गोलार्धों द्वारा ढका रहता है, प्रमस्तिष्क गोलार्धों के द्वारा यह भाग ढका हुआ रहता है। जो पश्च मस्तिष्क को, यानी ये भाग नीचे का भाग, प्रमस्तिष्क के ठीक नीचे पश्च भाग यहाँ पर, पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से, पश्च मस्तिष्क से अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है। इस भाग में दृश्य तंत्रिकाएं, इस भाग में क्या कहते हैं, दृश्य, दृश्य मतलब देखने, दृश्य भाग अंदाज लगाना या देखना दूर तक, दृश्य, दृश्य तंत्रिकाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। क्रॉस का अर्थ है इधर का भाग इधर जाना और इधर का भाग इधर, जिस तरह हम घुड़े का निशान लगाते हैं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। वही कह रहा है एक दूसरे को, दृश्य तंत्रिकाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तथा ऑप्टिक की एजमा बनाती है, जो क्रॉस करती है उसी को कह रहा है कि इधर का भाग इधर से संबंधित, इधर का भाग इधर से संबंधित, यानी क्रॉस करती हैं। तो वही कह रहा है इस भाग में दृश्य तंत्रिकाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तथा ऑप्टिक की एजमा बनाती है, यानी जो क्रॉस करती है उसी को कहा जाता है। यह देखने तथा, यह इनका काम है देखने से संबंधित, कहीं भी आप देख रहे हैं, ताक रहे हैं, कुछ भी सोच समझ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन देखने से संबंधित है। यह देखने तथा सुनने, कोई चीज़ देख रहे हैं ठीक है लेकिन सुन समझ रहे हैं ये चीज़, तो सुनने समझने में सहायक होता है। ये कौन भाग है, मध्य मस्तिष्क।
ए बी वाला भाग है मध्य मस्तिष्क, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। उसके बाद सी वाला हेडिंग है, इसी में है, सी वाला है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क यह मेरु रज्जु तथा यह मेरु रज्जु तथा तथा बचे हुए मस्तिष्क तथा बचे हुए मस्तिष्क में संपर्क बनाए रखता है। संपर्क बनाए रखता है इसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं। उसके बाद हेडिंग नंबर है पोन्स। पोन्स ए 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर लंबे गोल उभार के रूप में उभार के रूप में मस्तिष्क के निचले मस्तिष्क के निचले तथा मस्तिष्क के निचले निचले तल पर स्थित होता है।
स्थित होता है। यह श्वसन नियमन में सहायक है। ये जो लिखे हैं यह पश्च मस्तिष्क नीचे की तरफ यह मेरुरज्जु तथा यह मेरुरज्जु यहाँ पर जो रीढ़ की हड्डी होती है मस्तिष्क के पास ऊपर मेरुरज्जु तथा बचे हुए मस्तिष्क और भी जो भाग उनके बच रहे हैं वही है यह मेरुरज्जु तथा बचे हुए मस्तिष्क में संपर्क बनाए रखता है और भी जो भाग हैं उनमें इनका काम है संपर्क बनाए रखता है। इसके अंतर्गत निम्न भाग आते हैं उसमें है हेडिंग है पोन्स है। अगले दिन लिखा गया था हम पढ़ चुके हैं मानव मस्तिष्क के बारे में उसी में हाइपोथैलेमस या थैलेमस पीयूष ग्रंथि उसी के नीचे है पोन्स वाले भाग। ये 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं पोन्स गोल उभार के रूप में थोड़ा गोल भी होते हैं उभार के रूप में मस्तिष्क के निचले तल पर मस्तिष्क के नीचे की तरफ निचले तल पर स्थित होते हैं। यह है श्वसन नियमन यह सांस लेने की क्रिया पर श्वसन नियमन श्वसन का नियंत्रण इनका काम है पोन्स का। ये भाग आते हैं यहाँ पे पोन्स तो इनका काम है श्वसन सांस लेने से संबंधित श्वसन नियमन में सहायक होते हैं पोन्स। और इधर है मेरुरज्जु अब हम इतना पढ़ चुके हैं अब हम अगले दिन पढ़ेंगे उसके आगे जो भी हेडिंग आएगा उसके बाद अगले दिन अब पढ़ेंगे अध्ययन करेंगे।